नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। पिछले महीने 18 जुलाई को पोटका क्षेत्र के कव्वाली थाने का रहने वाला एक युवक संदीप मार्डी की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे मृतक के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाते हुए थाने से लेकर एसपी दरबार तक चक्कर लगा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि अपराधियों ने हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की, जबकि मृतक के परिवार वाले लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर थाने से लेकर एसपी दरबार तक चक्कर लगा रहे हैं। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि थानेदार टाल मटोल कर रहे हैं, जिसके कारण एसपी ऑफिस दौड़ना पड़ा। अब परिवार वाले सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर संदीप मार्डी के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हत्यारे की गिरफ्तारी होने से परिवार वालों को न्याय मिलेगी। थाना क्षेत्र से थाना क्षेत्र से हम लोग आए हैं कुटिया ग्राम से। वहाँ हमारे जो है ना भाई जी का उनका मर्डर हुआ है पिछला 18 जुलाई को। जी हाँ, 18 जुलाई को मर्डर हुआ है, जिसका हम लोग 19 तारीख को पाली थाना में हम लोग मौखिक रूप से जाकर वहाँ के बड़ा बाबू मिस्टर पशुधन पासवान जी को जो है ना हम लोग बताए हैं उपदेश भी किए, और वहाँ जाकर हमारे गांव जाकर उन्होंने पूछताछ किया और घटनास्थल का मुआयना किया। करने के बाद अभी तक जो है ना किसी भी मुजरिम का जो है ये नहीं किया है, गिरफ्तारी नहीं किया है और बहुत धारदार हथियार से उनको मारा गया था। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।